ये सवाल आप बीजेपी से करिए ना, जो लोग 370 के यहाँ से उड़ाने के बाद ये दावा कर रहे थे कि सारी मिलिटेंसी 370 के साथ जुड़ी हुई है, और इसको हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से यहाँ पे अमन छाया रहेगा। ये सवाल आप उनसे करिए। हमने बार बार कहा है कि मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था, हटाने से भी मिलिटेंसी पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, और ये साबित हुआ है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये लोग अपने काम के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। आपके जो आला अफसर हैं उनको काम के तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनको हालात को सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। फारूक साहब कह रहे हैं कि सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए ये जो है अटैक्स हो रहे हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा ना। ये आपने फारूक साहब से सवाल किया, वो फारूक साहब का जो जवाब है आपके सामने है। सर, क्या आप मानते हैं कि ये सिक्योरिटी लैब से बीजेपी की तरफ से? बीजेपी के तरफ से नहीं ना, बीजेपी का ये हुकूमत के तरफ से जो है लापरवाही है, उसमें तो आप इनकार कर नहीं सकते हो। हालात जो हैं दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, इसके लिए कसूरवार कौन है? जब एक तरफ से जब हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत को इन चीज़ों के लिए कसूरवार ठहराया जाता था, ठीक है ना? अगर उन हमलों के लिए हम कसूरवार थे तो आज जो हमले हो रहे हैं उनके लिए कौन कसूरवार है? जाहिर सी बात है ये लोग हैं, और उनको हालात सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो सीनियर पोस्टों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो राजभवन हो चाहे वो राजभवन के एडवाइज़र हो, मेहरबानी करके अपने ऐशो आराम को छोड़ें और अपने काम के तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो दें। एज ए ग्रोइंग डिमांड की इंडिया को रेस्पॉन्ड करना चाहिए, और जो मिलिटेंट बेसिस पीओके में उनको स्ट्राइक करना चाहिए। मेरा उसमें कोई कहना नहीं है ना, जो मैंने इस तरह की कोई डिमांड सुनी नहीं है, और इस तरह के फैसले हम जैसे लोग नहीं करते। इस तरह के फैसले जो हैं वो बड़े पैमाने पे होते हैं, लेकिन इससे पहले भी आपने स्ट्राइक किया, क्या ये हमले रुके? आपने बढ़ चढ़ के जो है बालाकोट में स्ट्राइक करने का दावा किया, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप मुझे यकीन दिला सकते हो कि स्ट्राइक करने के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद किया जाएगा, ठीक है ना, हम भी सुनने के लिए तैयार।